पतन किया वह व्यवस्था है जातिवाद और ऊंच नीच पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ना होगा। उसी व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध लड़े थे, उसी व्यवस्था के खिलाफ एकलव्य लड़े थे, उसी व्यवस्था के खिलाफ बाली जैसे शासक लड़े थे, उसी व्यवस्था के खिलाफ अशोक जैसे लोग लड़े थे, और उसी खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़े। तो लिखा है कभी रणभूमि
भारत में
था। यहां की जो व्यवस्था थी
गरीबों के हित में नहीं थी, दलितों के विरोध में थी। ऐसे भारतीय वातावरण में, चेहरे वातावरण में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। भीमराव की माता का नाम भीमाबाई था, पिता का नाम रामजी राव और दादाजी का मालोजी राव था। अंबेडकर बस्ती के रहने वाले थे पुराने। भीमराव का जन्म रत्नागिरी जिले केंद्र में हुआ। भीमराव आस्ते आस्ते 4-5 साल के हो जाते हैं और अपनी माँ से पढ़ने के लिए जिद करते हैं और क्या कहते हैं, ¡Gracias!
भीमराव के पिताजी कहते हैं। इतनी सुनकर के बाद वो नाम बता रहे हैं अपने बेटे का, सुनिए कैसे। पानी लानी होगी, हाँ बाहर शिक्षा
अधिकार तीनों बात मंजूर क्या कर ली और पढ़ने को कोई हो गए तैयार सजनों ने ये हो सब की बात एक क्लास पास बूझी कर ली अरे जी जी मैं पहुंच गए पहुंचे उसके बाद तीसरी में आए तीसरी में आने के बाद में एक अवसर ऐसा होता है जब भीमराव अंबेडकर जी को प्यास लगी एक दिन पानी लाना भूल जाते हैं और वो पानी बचपन उम्र के अंदर में प्यास लगी हुई थी गोरा सुंदर शरीर था चेहरा कमल की तरीका से था दोपहर का मौसम था भीमराव अंबेडकर पानी लाना भूल गए वो गलती से टोटी से हाथ लगा देते हैं जब हाथ लगाना होता है तो वहां के जो विद्यार्थी लोग थे दूसरे वो भीमराव अंबेडकर को पीटते हुए अध्यापक के पास ले आते हैं कितने दर्द और दुख की बात है ये घटना भीमराव जी के दिल में खून कर गई और भीमराव अंबेडकर जी ने ये प्रण कर लिया कि मैंने इस व्यवस्था के खिलाफ बोला है तो साथियों आगे चल के भीमराव जी इसी प्रकार से यहाँ से पांचवी क्लास पास करते हैं यहीं पर एक दुर्घटना होती है वो दुर्घटना होती है भीमराव की जो माता थी भीमाबाई वो बीमार पड़ जाती हैं और वो भीमराव बीमार भीमा माता अपने बेटे को बुला के क्या कहते हैं सुनिए